गुमला पुलिस ने अर्चना कंडुलना हत्याकांड का खुलासा कर हत्या के आरोपी फौरी गांव निवासी एहसान उर्फ बादल को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताया गया कि खूंटी जिला के रनिया थाना अंतर्गत जयपुर गांव निवासी अर्चना कंडुलना की हत्या निर्मम तरीके से करते हुए एहसान के द्वारा शव को साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से गुमला के फौरी गाँव के कुआं में डाल दिया गया था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त टांगी पैशन प्रो मोटरसाइकिल व 3 मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया है। मामले का उद्भेदन में डोग दस्ता, FSL व SIT की टीम शामिल रही। निर्मम तरीके से हुए हत्याकांड के बाद युवती के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। करके यहाँ गुमला और उसके बाद उनको वहाँ पर उस दिन वहाँ लेके गया फोरी गांव में जहाँ पे घटना स्थल है सम और कोइंसिडेंस की बात कहेंगे या उसकी प्लानिंग थी ये बहुत अच्छी कि उस दिन वहाँ पे मेला भी था तो बहुत लोग आए हुए थे तो किसी को शोर शराबे में संभवतः या तो आवाज़ नहीं आई ये शक भी नहीं हुआ और उसी में जो है उसका क्योंकि भरोसा था लड़की को उस पर तो वहाँ पर जो है उन्होंने उनके साथ उस स्पॉट पे ले जाके और जो उनके पास टांगी जिसको उन्होंने छुपा रखा था उसको निकाल के उससे उनका जो है थ्रोट को स्लिट कर दिया के गले को काट दिया और जब वो छटपटा के अपना बचाने की कोशिश कर रही थी उसी हाथ पैर चला रही थी उसी क्रम में उनके हाथ में भी जो लड़की का हाथ आप जान रहे हैं कि लड़की का हाथ भी जो है बरामद हुआ है बाद में अलग से तो लड़की का हाथ भी जो है वो छटपटा रही थी और उसको मतलब धक्का वक्का दे रही थी उसी क्रम में उसका हाथ भी कटा। उसके बाद ये पूरा इसको छुपाने के लिए और साक्ष्य को मिटाने के लिए उन्होंने जो है उसको अलग अलग टुकड़ों में जो है अलग अलग जगह फेंका जैसे कि आप जानते हैं कि उसका जो पूरी बॉडी थी उसको वहाँ सबसे नज़दीक वाले कुएं में फेंक दिया और उसी में उसी कुएं में जो है उसका हाथ भी फेंक दिया गया और जो मुंडी थी जो बताया जहाँ लौटने के क्रम में जो एक रास्ते में कुआं पड़ा वहाँ उन्होंने अलग से उसकी उसका जो हेड था उसको वहाँ फेंका और अभी उन्हीं की निशानदेही पे हमने जो है वो टांगी को बरामद किया गया है जो उन्होंने उस दिन कपड़े पहने थे उसको बरामद किया गया है। जो लड़की का हाथ था जो फर्स्ट डे बरामद नहीं हो पाया था वो भी उनकी निशानदेही पे बरामद किया गया है। जो उन्होंने इस पूरे कृत्य को करने में जिससे वो लड़की को रिसीव करके लेके गए थे मोटरसाइकिल उस मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है और उनके पास जो मोबाइल फ़ोन्स थे कुछ उनको बरामद किया गया है। जो उन्होंने उस दिन जूते पहने थे उसको भी बरामद किया गया है। तो एविडेंस संभवतः काफ़ी है हमारे पास एंड हमें काफ़ी होपफुल है कि इसमें इनको काफ़ी कड़ी सज़ा होनी चाहिए। छापामारी दल ने बहुत ही अच्छा काम किया है जिसे मैं रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा उनका नाम लेके यहाँ पे। इसका जो हम लीड कर रहे थे हमारे SDPO मनीष चंद्र लाल, इसमें सुदामा राम सब इंस्पेक्टर संचित कुमार, सब इंस्पेक्टर विवेक चौधरी, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, सब इंस्पेक्टर निरंजन कुमार सिंह, महिला सब इंस्पेक्टर खुशबू वर्मा, सब इंस्पेक्टर दिलीप टुडू, ASI इमैनुअल कोंगाड़ी और बाकी और भी बहुत सारे सशस्त्र बल और जवान शामिल थे। बहुत जगह पे और बहुत बार प्रयास करने के बाद जो है ये जो अपराधी हमारे हाथ लगा है और बहुत ही मुश्किल से उसने हमें सब चीज़ें बताई है। बहुत अच्छा डिटेक्शन हुआ है और इस उम्मीद है कि जो इतनी बड़ी निर्मम जो हत्या हुई है उसको जो है उस आत्मा को उस रूह को शायद हम न्याय दिलवा पाए।